जय श्री राम। आप सभी का LTV भक्ति चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपको बताने वाले हैं सबसे बड़ा दान, एक नेवले की बहुत ही प्रेरणादायी कहानी, सुनिएगा। एक बार पांचों पांडव भाइयों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद एक महान दान यज्ञ का आयोजन किया और गरीबों को बहुत उपहार दिए। सभी लोगों ने महानता और समृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त किया और कहा कि इस तरह का दान दुनिया में पहले कभी नहीं देखा। फिर समारोह के बाद वहां एक नेवला आया जिसका आधा शरीर सुनहरा था और आधा भूरे रंग का, और वह समारोह हॉल के फर्श पर लोटने लगा और उसने आसपास के लोगों से कहा, आप सभी झूठे हैं, यह कोई महान दान नहीं है। क्या? सभी ने अचरज से कहा, तुम कहते हो कि यहाँ कोई बड़ा दान नहीं है, क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ आने वाले गरीबों को कैसे पूरी तरह संतुष्ट किया गया? हर एक की झोली बेसकीमती उपहारों से भर दी गई। ऐसा महान दान न पहले हुआ है और न कभी होगा। लेकिन नेवला उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला, एक बार एक छोटा सा गांव था, उसमें एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी, बेटे और बहू के साथ रहता था। ध्यान से समझिएगा, वे बहुत ही गरीब थे और जीवन यापन के लिए वे उपदेश के बदले में मिलने वाले दान पर निर्भर रहते थे। लेकिन एक बार उस गांव में 3 साल का अकाल पड़ा। गरीब ब्राह्मण के परिवार का निर्वाह होना बहुत कठिन हो गया। आखिर में गरीब ब्राह्मण बड़ी मुश्किल से भूख से बिलखते अपने परिवार के लिए कहीं से जौ का आटा लेकर आया। बिना किसी देरी के परिवार ने इससे रोटियां तैयार की। आटा कम होने के कारण 4 रोटियां ही बन पाई। सभी के हिस्से में एक एक रोटी आई। मैं चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ ये सब देख रहा था। ये नेवला बोल रहा है कि मैं एक कोने में बैठा हुआ ये सब देख रहा था कि काश मुझे भी कुछ खाने को मिल जाए, पर होनी में तो कुछ और ही लिखा था। चारों रोटी खाने को ही जा रहे थे कि तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। पिता ने दरवाजा खोला, वहां एक अतिथि खड़े थे। अतिथि ने ब्राह्मण से कहा कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझ पर कृपा करिए, मेरे प्राण भूख से बचा लीजिए। अतिथि को भगवान का दर्जा देने वाला ब्राह्मण फौरन बोला, आपका स्वागत है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए, मैं अभी आपको भोजन कराता हूँ। और ऐसा कहकर उस निर्धन ब्राह्मण ने अपने हिस्से की रोटी अतिथि के सामने परोस दी। अतिथि तो मानो बरसों से भूखा था, पलक झपकते उसने एक रोटी खत्म कर दी और बोला, मैं 10 दिनों से भूखा हूँ और एक रोटी से मेरा कुछ नहीं होने वाला, इससे तो मेरी भूख और भी बढ़ गई, जल्दी से और रोटियां लाइए। पिता असमंजस में पड़ गए। वह अपने भूख से तड़पते परिवार को अपने हिस्से की रोटी देने के लिए नहीं कह सकते थे। लेकिन तभी पत्नी ने पति से कहा, उन्हें मेरा हिस्सा भी दे दीजिए। पति ने इनकार कर दिया। तब पत्नी ने जोर देकर कहा, यह मेरा एक पत्नी के रूप में कर्तव्य है। फिर उसने अतिथि को अपना हिस्सा दे दिया। उसे खाने के बाद अतिथि और रोटियां मांगने लगा। इस बार बेटा आगे बढ़ा और यह बोलते हुए अपनी रोटी अतिथि को परोस दी कि यह एक बेटे का कर्तव्य है कि वह अपने पिता की सम्मान रखने में कोई कसर ना छोड़े। अतिथि ने बेटे का हिस्सा भी खाया लेकिन फिर भी असंतुष्ट रहा। तब बेटे की पत्नी ने भी उसे अपना हिस्सा भी दे दिया। अतिथि अब संतुष्ट था, उसे उसकी पर्याप्त खुराक मिल चुकी थी। वो उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से चला गया। लेकिन अतिथि के जाने के कुछ देर बाद ही उन चारों अभागों की
भुखमरी से मौत हो गई। फिर नेवला आगे बोला, उन चारों को मरा देख मैं वहां से घबरा कर भागा। तभी मेरे शरीर का कुछ भाग जमीन पर गिरे आटा के कणों से छू गया और जैसा कि आप देख सकते हैं, तभी से मेरा आधा शरीर सुनहरा हो गया। तब से मैं पूरे देश का भ्रमण कर रहा हूँ कि कहीं तो मुझे उस तरह का एक और महान दान देखने को मिल जाए और वहां की पवित्र भूमि पर लौटकर मैं अपना बाकी का शरीर भी सोने में बदल सकूं। लेकिन अब तक मुझे उस उच्च कोटि का दान देखने को नहीं मिला, इसलिए मैं कहता हूं कि यह कोई महान दान नहीं है।